नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं ये जो कंडोली की खेती है हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ये उसके बारे में ये वीडियो है। हमने और भी कई सारे वीडियो बना चुके हैं, तो वो एक बार पहले देख लेना फिर ये वीडियो देखना, तब आपको आसानी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब किस तरह से के पौधे लाने हैं, किस तरह से आपको डालना है, किस तरह से आपको सिंचाई करनी है, सब कुछ हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये वीडियो में देखने वाला है कि आपके यहाँ कई सारे कंडोली के फूल आएंगे, तो उसे किस तरह से आपको कंटोली के पौधे पे कंटोला बैठना चाहिए, तो ये वीडियो में देखने वाले। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो, तो सबसे पहले ये जो नर पौधे पे, नर कंटोली के पौधे पे ये जो इस तरह के फूल लगते हैं उसे हमको एक साथ तोड़ लेना है और सभी को इकट्ठा कर देना है। और अगर आपको जानना है कि नर किसे कहते हैं और मादा किसे कहते हैं कंटोली में, तो उसका वीडियो भी बना चुके हैं, तो आई टैब पे या फिर नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको मुड़ देना है नर के जो फूल होते हैं और आपको मादा के फूल ढूंढने हैं। जो मादा कंटोली पे ये जो कंटोला बैठता है उसे आपको परागण करना होता है, तो हर एक जगह आपको मादा पौधे होता है उसे जाके आपको नर के जो फूल होते हैं उसे इस तरह से छूना होता है, तभी आपके ये जो कंटोली के जो फूल आते हैं उस पर परागण किया जाता है, तभी आपके ये जो कंटोली के मादा होते हैं वहाँ पे आपके कंटोला बैठ पाएंगे। अगर इस तरह से आप नहीं कर रहे हो तो ये करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपके खेत या फिर आप घर पे कर रहे हो तो ही आपको कंटोला ज़्यादा से ज़्यादा लगने का चांस रहेगा, क्योंकि अक्सर अब मधुमक्खी वो सब कम हो गई है, तो आपके उतनी ज़्यादा मधुमक्खी वो सब नहीं आती होगी खेत या फिर आपके घर पे, तो आपकी जो ये परागण होना चाहिए कंटोली के मादा पौधे पे वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप ये भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें नर और मादा पौधे के फूल पे हमें इस तरह से परागण करना होता है, तो हर एक आपको जाके करना है। और एक जो नर के फूल होते हैं उससे हम लगभग 4 से 5 कंटोली के मादा के पौधे पर इस तरह से परागण कर सकते हैं, फिर आपको नर के फूल होता है वो दूसरा लेना होता है। इसी तरह से आपको सारे खेत में करना होता है, तभी आपके यहाँ कंट्रोली ज़्यादा से ज़्यादा लग पाते हैं। और भी एक सवाल होता है कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूल आते हैं पर हमारे यहाँ कंट्रोला नहीं लग पाता है, ये एक आपके लिए कारण हो सकता है, क्योंकि आप परागण नहीं कर रहे होगे तो आपके यहाँ थोड़े चांस कम हो जाएंगे आपके जो कंट्रोला लगने के। तो इस तरह से आपको भी सभी जगह जाके करना है, तो ही आपके यहाँ इस तरह के कंट्रोला लग जाएंगे। और एक बार आपने परागण कर लिया तो आपको 100% की गारंटी मिल जाएगी कि ये कंट्रोला बैठेगे ही और बैठेगे। तो अगर आपने परागण किया है तो देख सकते हैं किस तरह के आपके कंट्रोला लगने स्टार्ट हो जाएंगे और गारंटी मिल जाती है 100% की कि ये कंट्रोला बैठेगी ही और बैठेगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अपने खेत में। ये वीडियो थी और भी कई वीडियो हमने बना चुके हैं कि किस तरह से बीज लगाना है, किस तरह से इसका कनमूल या फिर ट्यूबर बन जाता है कंट्रोली का और फिर निकाल के हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, सब कुछ हमने वीडियो में बना चुके हैं। और एक वीडियो काफ़ी बढ़िया है, वो है अगर आपके पास एक ट्यूबर है या फिर एक कनमूल है और अगर आपके पास बीज भी है तो किस तरह से आपको कई सारे और पौधे बना सकते हैं कंट्रोली के, अगर आपको वो भी जानना है तो उसका भी वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ है और देख ही सकते हैं ये जो कंट्रोली की खेती हम करते हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा आवक भी आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोला लगते हैं। ये हमारे हाइब्रिड वैरायटी के कंट्रोले हैं, तो आप अपने यहाँ पे भी देखे होंगे बड़े बड़े कंट्रोले हैं वो एक हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं और जो छोटे छोटे कंट्रोले होते हैं वो देसी कंट्रोले होते हैं, उसके भी हमने वीडियो बनाए। और देसी कंट्रोले में अगर आप परागण नहीं भी कर पाओ तो अपने आप थोड़े बहुत हो जाते हैं, पर उसमें भी आप परागण करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोले के फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप भी शुरू कर सकते हो इस तरह से, पहले आप छोटे पैमाने पे भी कर सकते हो और फिर आपको बड़े पैमाने में भी करना हो तो भी कर सकते हो। तो ये थी वीडियो और मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।